डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रिम्स एल्गोरिदम। और इस वीडियो में हम प्रिम्स एल्गोरिदम से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी वर्किंग कैसे है, सूडो को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन इंटरव्यूज में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इसको ना सारे पॉइंट जितने भी मैं बताता जा रहा हूं इनको लिखते रहना, नोट करते रहना, ताकि आपको इन केस फ्यूचर में दोबारा पढ़ना हो ना, आप इजीली उन नोट से या दोबारा से वीडियो चेक करके आप इजीली उसको मैप कर सकते हो। तो देखो, प्रिम्स एल्गोरिदम की सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये आउटपुट क्या देता है, या आप कह सकते हो कि ये एल्गोरिदम हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। What it is? Minimum cost spanning tree. अब यार ये minimum cost spanning tree में मैं already आपको बता चुका हूं कि यार ये spanning tree का फंडा क्या होता है। Even हम इसका एक और algorithm already कर चुके हैं, that is Kruskal, ठीक है? अब minimum cost हमें find out करनी है, minimization problem है, greedy approach use करते हैं। अब spanning tree का फंडा यहाँ पे क्या है? Spanning tree आपके दिमाग में already आ चुका होगा कि spanning tree क्या होता है? अगर number of vertex मेरे v है, तो number of edges must be v minus 1। तो spanning tree की जो output है उसमें number of vertex आप कितने हैं v, तो number of edges कितनी होनी चाहिए vertex में से एक कम, और ये connected graph होना चाहिए। अब हमें इस type का spanning tree बनाना है, लेकिन जो cost है वो minimum होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये point जो है वो दिमाग में रखना, क्योंकि जब हम इसकी time complexity analyze करेंगे वो वहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं working की, यार ये काम कैसे करता है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर आता है। तो आपको यहां पे वेटेड ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, मैंने अनडायरेक्टेड ग्राफ यहां पे लिया हुआ है। तो वेटेड ग्राफ में सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रुस्गल में हम लोग क्या करते थे, सारी एजेस को पहले सेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते थे, मिनिमम एजेस को उठा उठा के डालते थे, बस ये चेक करना होता था कि कोई लूप ना बने, या आप कह सकते हो कि इन केस अगर लूप बन जाता है, या इन केस अगर उसके बीच में, मतलब आपका ट्री जो है स्पैनिंग ट्री में हमेशा क्या होता है कि लूप जो है वो नहीं बनना चाहिए, बस वही चीज हम यहां पर करेंगे। लेकिन यहां पर आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या अप्रोच है? सबसे पहला स्टेप है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्ट। पहला स्टेप क्या है, आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स ये है, तो आप उससे स्टार्ट कर लो, अदरवाइज आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, रैंडमली कोई भी चूज। तो लेट से मैं बी से स्टार्ट कर लेता हूं, यहां पे मैं बी से स्टार्ट कर लेता हूं। तो देखो, सबसे पहले बी वर्टेक्स यहां पर लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जब आपने चूज कर लिया B से जितने भी वर्टेक्स कनेक्टेड है, तो देखो B से मेरा A कनेक्टेड है, B से मेरा और इसके अलावा सिर्फ एक कौन सा है, C कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो दो कनेक्टेड है, एक A कनेक्टेड है और एक C कनेक्टेड है। तो A की कॉस्ट है 1, C को कॉस्ट जो है वो क्या है 6। तो जो जो कनेक्टेड है उनकी कॉस्ट जो है वो चेक कर लो, उसमें से मिनिमम वाला उठा लो। तो देखो ये 1 वाला है, ये 6 वाला है, मैं किसको उठाऊंगा, 1 वाला। बस इसी अप्रोच को ही आपको बार बार यूज करना है। तो देखो यहां पर हमने 1 वाला कौन सा था, मतलब B से A वाला जो है वो मैंने चूज कर लिया, ठीक है? मतलब ये जो C वाला था 6, वो ऑलरेडी है आपके पास, वो ऑलरेडी है, लेकिन आपने चूज मिनिमम वाला करना, तो हमने मिनिमम वाला कर लिया। अब हम A पे भी पहुंच गए, अब A से फिर वही चेक करो, क्या किससे कनेक्टेड है, D से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, विद द कॉस्ट ऑफ 6, 5। एंड प्रीवियस वाला भी दिमाग में रखना कि जो B पहले था उससे 6 वाली एक और एज भी है, वो भी दिमाग में रखना, और नई वाली भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इन तीनों में से आपको मिनिमम चूज करना है, ठीक है ना? मतलब ये बस पॉइंट, इसी का जो मेन एल्गोरिदम का जो क्रक्स है, जो हर्ट है, वो यही है कि A पे पहुंच के आपने 5 वाला और एक 6 वाला तो देख लिया, लेकिन पिछले वाला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लेट से कि अगर पिछले वाला 6 की जगह 2 होता तो मैं अब इसको चूज करता, लेकिन फॉर एग्जांपल ये यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये भी 6 है नहीं लेंगे, मिनिमम वाला कौन सा है, 5 वाला, तो हम 5 वाला लेंगे। तो 5 वाला मैं अच्छे से बना देता हूं। लो जी, 5 वाला कहां पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, तो डी वाला बना दिया, ये कॉस्ट होगी आपकी 5, ठीक है? अब देखो यहां पे आप बनाना चाहते हो बना लो, नहीं तो अपने दिमाग में भी रख सकते हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? ये हम इस तरीके से स्टार्ट करें। अब हम डी पे पहुंच गए, डी से देखो एक 10 की जा रही है,
एक यहां पे 2 की जा रही है, एक 10 वाली और एक 2 वाली, और प्रीवियस आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये 6 और ये 6 वाली भी है, तो इन सब में से सबसे मिनिमम ऑब्वियसली कौन सी है, 2 वाली, तो मैं 2 वाली सबसे पहले बना लेता हूं। तो लो जी मिनिमम हमने चूज कर ली, F पे हम पहुंच गए, ठीक है। लो जी कॉस्ट मेरी क्या होगी, यहां पे कॉस्ट जो है वो क्या होगी, 2। अब देखो हम F पे पहुंच गए, F से देखो एक 3 वाली जा रही है, 8 वाली जा रही है, उससे पहले D से जो 10 वाली भी जा रही थी, ये 6 वाली और 6 वाली भी जा रही थी, इन सारों में से जो पहली ऑप्शन थी, एक ये 6 वाली, ये 6 वाली, ये 10 वाली, और यहां से ये 3 वाली और ये 8 वाली, इन चारों पांचों ऑप्शन में से सबसे मिनिमम ऑब्वियसली कौन सी है, 3 वाली, तो वो वाली आप कनेक्ट कर लो। तो यानी ये यहां से हम F से ये कहां पे जा रही है, सी पे जा रही है, तो ये सी से हम कनेक्ट कर देते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 3। आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि यार क्या डिफरेंस है इन बिटवीन, जब भी आप चेक करोगे ना प्रिंस के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, इन बिटवीन जब भी आप ये बना रहे हो ना तो ये हमेशा कनेक्टेड वे में बनेगा। देखो ये सारे आपस में कनेक्टेड है ना, लेकिन क्रूसकल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चूज कर ली, फिर हमने ये चूज कर ली, फिर हमने ये चूज कर ली, तो डिसकनेक्टेड वे में वो चलता रहता है, लास्ट में कनेक्टेड बन जाता है, लेकिन इन बिटवीन जब आप चेक करोगे ना वो हमेशा डिसकनेक्टेड वे में चलता है, लेकिन प्रिंस हमेशा कनेक्टेड वे में। जब भी आप जो सब ग्राफ आप चेक कर रहे हो या जो अभी इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है, अभी जो बीच का रिजल्ट है, वो भी आपको क्या दे रहा है, कनेक्टेड वे में ही चलता जा रहा है, ठीक है ना। बस ये जो है मेजर डिफरेंस है। लो जी अब 3 पे पहुंच गए, अब देखो 3 से हमारे पास एक जा रही है, ये 7 वाली, ये 6 वाली तो ऑलरेडी थी, ये 6 वाली ऑलरेडी थी, ये 10 वाली ऑलरेडी थी, इसके अलावा F से ये 8 वाली भी थी, ठीक है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन, अब मैं C पे पहुंच गया, C से 7 वाली, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पीछे हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, ये 8 वाली, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा है, तो इसको तो भूल जाओ, 10 भी ज्यादा है, इसको भी भूल जाओ, 6 और 6, हाँ इसको मैं चूज कर सकता हूं क्योंकि ये 7 से कम है, लेकिन दिमाग में रखना कि भैया अगर मैं ये 6 कनेक्ट कर देता हूं, ये वाली 6 लेट्स से अगर मैं चूज कर लेता हूं, अगर मैं ये कनेक्ट कर देता हूं तो पंगा क्या होगा, पंगा आपके सामने दिख रहा है, अगर कनेक्ट कर दिया, लो जी बन गया लूप, इसके अंदर साइकिल बन गया, साइकिल बन गया तो ट्री कहां रहा, स्पैनिंग ट्री तो साइकिल नहीं होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए ना लूप होना चाहिए, तो ये तो साइकिल बन जाएगा, नहीं हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये मिनिमम थी, इन सब ऑप्शंस में से मिनिमम थी, लेकिन नहीं सिलेक्ट कर सकते। फिर हम इस 6 पे चले जाते हैं, एक और 6 भी है, लो जी हमने इस 6 को कनेक्ट कर दिया, फिर वही पंगा, क्या ये पूरे के पूरे में क्या बन गया, साइकिल बन गया, तो यानी इस 6 को भी हम यहां पे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये दिमाग में पॉइंट रखना। ऐसे नहीं कि कुछ भी 6 उठा के कनेक्ट कर दिया, नहीं साइकिल बन गया तो स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी तो रही नहीं, तो इसीलिए इसको भूल जाओ। तो फिर अपने पास 7 वाली ऑप्शन ही बन रही है, तो हमने 7 वाली ऑप्शन से ई को कनेक्ट कर दिया, देन हमारे पास आ गया जी। अब इसके बाद हमारे पास यहां से 12 की ऑप्शन है, ये 6 वाली ऑप्शन तो चाहे आप भूल भी जाओ अब, क्योंकि आपको पता ही लग गया कि ये 6 तो क्या बनाएगा, ये 6 तो साइकिल ही बनाएगा, तो फिर हमारे पास उसके बाद आ जाती है ये 8 वाली ऑप्शन, क्योंकि ये तो 10 वाली है ज्यादा है, इन दोनों को भूल ही जाओ, तो यानी ये 8 वाली ऑप्शन मेरे पास बचती है, तो मैं इस 8 से H पे चला गया, ठीक है ना। ये 12 वाली थी तो इसको तो भूल जाओ, ये तो सबसे ज्यादा वेट है, तो 8 वाली मैंने चूज कर ली, H पे पहुंच गया। अब H से एक 7 पे जा रही है, एक 8 पे जा रही है, और इसके अलावा प्रीवियस वाली तो 12 थी, ऊपर मेरी 10 थी, तो ये 6 वाली तो भूल ही जाओ, तो फिर ऑब्वियसली सबसे मिनिमम कौन सी है, 7 वाली है, तो लो जी 7 वाली मैंने कनेक्ट कर दी और मैं पहुंच गया जी पे, ठीक है ना। 7 वाली मैंने कनेक्ट कर दी, मैं पहुंच गया जी पे, बाकी को एक बार आप कट ही कर दो ताकि गलती से मिला मत देना, ठीक है ना। जब एग्जाम में करोगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि कैसे कैसे एक एक करके परफॉर्म करना है। अब जी पे आपको दिख ही रहा है कि जी से सबसे मिनिमम कौन सी है, 3 वाली कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम है, तो लो जी जी से हमने कनेक्ट कर दिया, 3 वाली कॉस्ट आ गई। अब ये देखो आपके पास फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, ये स्पैनिंग ट्री भी है, मिनिमम कॉस्ट भी है, कैसे पता लगा, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए, 8, तो लो जी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो ये मेरे इस तरीके से आपको चेक करना है, स्पैनिंग ट्री की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आप इन सब को ऐड करके टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लो, चाहे क्रूसकल से कर लो चाहे प्रिंस से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। मेन थिंग ये है कि प्रिंस काम कैसे करता है, तो आपके सामने सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है प्रिंस की इस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।